जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर मैं एक बहुत ही बढ़िया फनी ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपके संप्रदाय से संबंधित हैं। आपने दोस्तों रस सिद्धांत पढ़े, रस जो सिद्धांत थे, रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, है ना, ये सारे के सारे जो सिद्धांत थे उनको मैंने ट्रिक से याद करवाया पिछले वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो में हम संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं, आपको ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, और वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है, और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। दोस्तों आपको 9098609291 इस पर SMS करना है और जुड़ जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका श्री संप्रदाय। मैं आपको सबसे पहले संप्रदाय पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट लूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो श्री संप्रदाय दोस्तों ये इसके जो प्रवर्तक हैं आपके कौन है, रामानुज हैं। कौन है? रामानुज, ठीक है। अब यहां पर आया है दोस्तों श्री, और यहां पर आया है क्या, राम, तो आप सीधे बोल देते हो श्री राम, श्री राम बोलते ना, तो श्री संप्रदाय के राम से रामानुजाचार, ठीक है। श्री संप्रदाय के राम से रामानुजाचार, ठीक है। अब रामावत संप्रदाय में रामावत के रामानंद, तो इसमें तो याद करना ही नहीं है, रामावत के रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात की पुष्टि करवाने के लिए अगर काम ऐसे नहीं बन रहा है तो बल से करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं पुष्टि? बल से। बोले मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी बात की पुष्टि नहीं हो रही, मैं तो बल से पुष्टि करवा लूंगा, बल से करवा लूंगा। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बल्लवाचार है ना, कौन होंगे? बल्लवाचार, याद रख लेना दोस्तों। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, अधिकांश लोगों को पता है कि सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, गुरु नानक हैं, ठीक है। ये चीज आप सभी को पता है ना, अधिकांश लोगों को पता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के हैं दोस्तों हरिदास निरंजनी। अब यहां पर निरंजनी आया तो यहां पर भी निरंजनी आ गया, ये भी आपको याद नहीं करना, ये तो वैसे ही आपको याद है। स्मार्त संप्रदाय, जी हाँ दोस्तों, अब इसको आपको याद करना है, इसके प्रवर्तक है शंकराचार्य। तो कैसे याद करें दोस्तों इसको, स्मार्ट, और स्मार्ट से नहीं लग रहा आपको, स्मार्ट है ना, अगर आपको स्मार्ट दिखना है, स्मार्ट लगना है, तो आपके लिए शंकर जी की पूजन करनी होगी। किसकी करनी होगी? शंकर जी की, है ना। आपने देखा होगा बोले आप शंकर जी की पूजन करो, आपके रोग भग जाएंगे, आप स्मार्ट दिखने लगोगे, तो आप भी करो, है ना। स्मार्ट दिखना है तो शंकर जी की आप पूजन करो, और शंकर जी को, शंकर जी क्या करेंगे, आपको निरोग रखेंगे, निरोग, और जब आप निरोग रहोगे तो स्मार्ट दिखोगे, है ना। तो स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य, ठीक है। तो कैसे याद किया हमने कि स्मार्ट दिखना है तो आप शंकर जी की पूजा करो, ठीक है। कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय के कौन है दोस्तों? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब यहां पर आया है कादरी और यहां पर कादिर आया है, तो कादरी से कादिर, यही तो है, अब इसको क्या याद करना, कादिर, ठीक है। यहां पर आया दोस्तों बारकरी संप्रदाय। तो बारकरी संप्रदाय ने आपने बोला, आपने देखा होगा रामायण में युद्ध में, बोले महाभारत में, उसने बार किया, उसने बार किया था। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते वो कभी बार नहीं करते, क्या नहीं करते, बार नहीं करते। आपने सुना होगा बोले धोखे से बार कर दिया यार, है ना, लेकिन यहां पर आ गया है आपका बार, और ज्ञानी व्यक्ति बार नहीं करते, तो यहां पर बारकरी संप्रदाय है ना, तो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, याद रख लेना, संत ज्ञानेश्वर। बोले बार कर दिया, बोले हाँ वो ज्ञानी नहीं होगा, है ना, इसलिए। सनक संप्रदाय बताना है दोस्तों आपको, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों निम्बार्क। अब इसको कैसे याद करोगे आप, निम्बार्क, और यहां पर आया है दोस्तों बार्क, और आप पढ़ते हो कभी कभी करते हो बर्क, बार्क से बर्क, और कभी कभी दोस्तों जब आप बहुत सारा बर्क कर लेते हो तो आपका जो मुंडा है वो क्या हो जाता है, सनक जाता, बोले हमारा मुंडा सनक गया यार, बर्क करते करते मूड सनक गया, है ना, ऐसे बोलते ना, अब मैं सनक गया हूं, तो क्या करते करते, वार्क करके करते करते, वर्क करते करते, तो निम्बार्क, सनक संप्रदाय के निम्बार्क, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। महानुभाव संप्रदाय के कौन है? तो दोस्तों यहां पर आया महानुभाव, और ये महानुभाव संप्रदाय के कौन है? महात्मा चक्रधर। और जब हमारे घर में कोई महात्मा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, महानुभाव पानी लीजिए, महानुभाव खाना खाइए, महानुभाव बैठिए, करते ना जब कोई महात्मा आ जाते हैं तो। और नॉर्मल कोई अपने परिवार का सदस्य होता है उससे बोलते आप महानुभाव,
नहीं बोलते। जब कोई महात्मा आता है तो आप महानुभाव महानुभाव करते हैं, तो महात्मा चक्रधर ये महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे। ठीक है, उदासी संप्रदाय के देखो दोस्तों, तो उदासी संप्रदाय के कौन है? और दोस्तों आपको पता है कि आपके मन में अगर उदासी, मैं कहूं कि यार आज कैसे देख रहा हूं बड़ी उदासी है, अब बोलोगे हाँ सर चंद लोगों के कारण मेरे मन में उदासी है आज। किसके कारण? चंद लोगों के कारण क्या है? उदासी है। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? श्रीचंद। कौन होंगे? श्रीचंद। तो ये तो आपको हो गई, बोले चंद लोगों के कारण क्या है? उदासी। तो उदासी संप्रदाय के श्रीचंद। ठीक है, अब दोस्तों सतनामी संप्रदाय के कौन है? वीरभान। इसको कैसे याद रखोगे? आपने पढ़ा होगा दोस्तों वीर, और आपको पता होगा कि अपन बोलते ना वो नामी वीर है, यार नामी वीर है मतलब उसका नाम चलता है, ऐसा वीर है। तो नामी वीर है ना, नामी यहां पर आ रहा है सतनामी, और ये नामी वीर है वीर, तो वीरभान कौन होंगे? इसके प्रवर्तक होंगे, है ना। और वीरों के सतनाम होते हैं, बोले सतनाम सातों नाम है, बोले सतनामी, है ना। तो सतनामी संप्रदाय के वीरभान, है ना। हरिदासी संप्रदाय के कौन है? तो दोस्तों यहां पर हरिदास आया है, तो यहां पर भी हरिदास आया, तो स्वामी हरिदास हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु का अधिकांश लोगों को पता है चैतन्य, और चैतन्य कभी कभी गौड़ीय गौड़ी संप्रदाय भी, इसके इसका जो दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय है, तो गौड़ीय संप्रदाय भी पूछ लिया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, अब आपको बताना है राधा वल्लभी संप्रदाय, है ना। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोसाई हित हरिवंश हैं। अब एक चीज बताना दोस्तों कि आप राधा जी के दर्शन करने जाते हो, है ना, राधा जी के दर्शन करने जाते हो, तो राधा क्या करेंगी? हित करेंगी कि अहित करेंगी? हित करेंगी ना आपके साथ, हित। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के कौन होंगे? हित हरिवंश, हित कर रहे हैं, बोले राधा जी हमारा हित करेंगी, तो हित हरिवंश। ठीक है, और बिश्नोई संप्रदाय के कौन है? तो बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों, आप जब बिश्नोई लिखते हो इस प्रकार से बिस, तो यहां पर आता है बिस, और बिस अगर कोई पी लेता है तो उसके शरीर में क्या हो जाता है? जम जाता है, जम। तो जम से जम्भनाथ, बोले बिस तो जम्भ गया है, जम गया है। तो बिश्नोई संप्रदाय के क्या हो गया? बिस जम गया है, तो जम्भनाथ इस प्रकार से याद करेंगे, बिश्नोई संप्रदाय के जम्भनाथ। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने पूरे याद करवा दिए आपको, अब आपकी बारी है, आपको उत्तर बताना है। आपका पहला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कमेंट में लिखते जाए फटाफट से, दो सेकंड दिए जाते हैं आपको, तब आपको सभी लोगों को पता है कि जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? गुरु नानक है। ठीक है, गुरु नानक देव, है ना। अगला बताना है दोस्तों सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सनक संप्रदाय की बताना है, मैंने आपको याद करवाया था कि हमारा मूड कब सनक जाता है? जब हम वर्क करते करते थक जाते हैं या ज्यादा वर्क होता है, तो वर्क से निम्बार्क, वर्क से क्या बनेगा? निम्बार्क, क्योंकि हम सनक जाते हैं वर्क करते करते, बार्क करते करते, तो निम्बार्क, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब यहां पर आया स्मार्ट, और स्मार्ट अगर दिखना है, स्मार्ट अगर आपको दिखना है तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी? किसकी करनी पड़ेगी? शंकर जी की, है ना। तो स्मार्ट संप्रदाय शंकराचार्य। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब चार सेकंड आपको दिए जाते हैं, जब तक मैं आपको बता दे रहा हूं कि बार कौन लोग नहीं करते, बोल देते ना हम कि धोखे से बार कर दिया, धोखे से बार कौन नहीं करते? ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी से क्या बनेगा आपका? ज्ञानेश्वर, यानी कि संत ज्ञानेश्वर बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? चार विकल्प हैं, जिनकी बात मानी नहीं जाती, जिनकी बात की पुष्टि नहीं होती, है ना, वो क्या करते हैं? बल से बलपूर्वक अपनी बात की पुष्टि करवाते हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन होंगे? बलपूर्वक, तो बल्लवाचार, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्लवाचार। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चार विकल्प हैं, अब निरंजनी आया है तो उत्तर में भी क्या आएगा? निरंजनी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, हरिदास निरंजनी। ठीक है, अगला देख लो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामावत, अब रामा आया है तो उत्तर में भी क्या आएगा? रामा, तो रामावत संप्रदाय के रामानंद। ठीक है,
रामावत संप्रदाय के कौन है? रामानंद। ठीक है, याद रखो सनक संप्रदाय के निम्बार्क, पुष्टि मार्ग के वल्लवाचार्य, है ना। अगला, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिश्नोई। दोस्तों बिस क्या होता है? जम जाता है। बिस क्या होता है? बिस जम जाता है, तो बिश्नोई, तो बिस बना है यहां पर बिस, तो बिश्नोई से जम जाता है तो जम्भनाथ, है ना, जम जाता है तो जम्भनाथ, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानुभाव आप किसके पीछे करते हो? जब आपका कोई परिवार का सदस्य आता है तब, कि जब कोई महात्मा आता है तब, है ना। हमने याद किया कि जब कोई महात्मा हमारे घर में आता है तो हम लग जाते हैं महानुभाव करते ना, कि जब कोई परिवार का सदस्य आ जाए उसके पीछे पीछे तो नहीं लगते आपकी महानुभाव, है ना। हाँ, तो महात्मा चक्रधर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? कादरी, यहां पर आया है कादरी, तो उत्तर में भी क्या आएगा? कादिर आएगा, है ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कादरी संप्रदाय, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगला बताना दोस्तों, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री। और आपने देखा होगा दोस्तों कि हम क्या करते हैं, श्री राम, हम बोलते हैं श्री राम, है ना। तो श्री राम से श्री रामानुजाचार कौन होंगे? श्री रामानुजाचार श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, है ना। तो याद रखेंगे बी नंबर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। आपको अगला बताना दोस्तों, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चार विकल्प हैं, और अब हम इसके बाद आपको क्या पढ़वाएंगे दोस्तों, आपके जो दर्शन है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इसके बाद आपका दर्शन का वीडियो आएगा, है ना। तो सतनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आप बोलते हो कि वो वीर जो है नामी वीर है। कैसा वीर है? नामी वीर है। उसका क्या चलता है? नाम चलता है, और यहां पर आया है आपका नामी, और नामी क्या है? वीर। तो उत्तर में भी क्या आएगा? वीर, और वीर भान आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको यह भी बताना है कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट में आपको जरूर बताना है, जो भी लाइव देख रहे हैं तो लाइव, जो भी बाद में देख रहे हैं वो अपनी हाजिरी जरूर डालें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और चैलेंज प्रश्न आपको दिया जाएगा एक, उसका उत्तर भी आपको बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है ब्रह्म संप्रदाय के? तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार हैं। कौन है? मध्वाचार, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल आपको याद रखना, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार, है ना। अगला आपको बताना है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन है? अब हरिदासी आया है तो उत्तर में भी क्या आएगा? हरिदास, है ना, हरिदासी के स्वामी हरिदास हो जाएंगे। अब इसको क्या याद करना, हरिदास से हरिदास। ठीक है, अगला बताना है रुद्र संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि शंकर जी को हम बोलते रुद्र रूप, शंकर जी को बोलते ना रुद्र, लेकिन यहां पर रुद्र का अर्थ शंकर जी होता है, लेकिन यहां पर हम शंकर जी नहीं लेंगे, यहां पर क्या है? विष्णु स्वामी, है ना। तो याद कर लेना कि रुद्र का अर्थ होता है शंकर, तो शंकर जी नहीं है, अर्थात कौन है? विष्णु स्वामी है, बी नंबर। एक धारणा बना लेना, कौन है? विष्णु स्वामी है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, है ना। अगला है दोस्तों, नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नक्शबंदी यहां पर आया है, नक्शबंदी, उत्तर में भी क्या आया? नक्शबंद, है ना, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ये नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाएंगे, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सा नंबर। अगला है दोस्तों, आपका जो चैलेंज प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है, आपका बामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या फिर संकोक। अब दोस्तों आपको चैलेंज प्रश्न दिया जाता है, अगर आपसे कुंतक का भी बनता है कि ये कौन से संप्रदाय के हैं, क्षेमेंद्र का भी बनता है कौन से संप्रदाय के हैं, संकुक का बनता है कि कौन से संप्रदाय के हैं, तो इन सारे के सारे जो संप्रदाय हैं, है ना, जो सिद्धांत हैं, सॉरी जो सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत को आपको जरूर लिखना है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन तो है ही कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको लिखना ही है, चाहे आप ढूंढ कर लिखो, चाहे उत्तर पुस्तक में से लिखो, कहीं से भी लिखो, इसका उत्तर आपको चैलेंज प्रश्न का कमेंट में जरूर बताना है। अब दोस्तों जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291
इस नंबर पर SMS करें, आपको लिंक मिल जाएगी, तो WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाना। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन होना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपके हिंदी साहित्य के ट्रिकी वीडियो, उन सारे के सारे वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों तक जरूर करें। जय हिंद।